गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड रिस्पेक्टिव फैकल्टी मेंबर्स फ्रॉम द डिफरेंट कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज। आवर टॉपिक इज इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड बिफोर आई स्टार्ट द टॉपिक आई वांट टू से समथिंग दैट इज अबाउट द वीडियोस ऑलरेडी वी अपलोड ऑन द यूट्यूब्स and the videos specially for the engineering drawing subjects। तो ये जो videos मैं upload कर रहा हूँ आप लोगों के लिए ये काफ़ी मेहनत के बाद upload हो रही हैं और एक video upload करने के लिए minimum हमें पूरे दिन में 3 से 4 घंटे minimum लग जाते हैं। अगर 1 घंटे का lecture है तो उसको फिर camera setup करते, room setup करते, sound proof बनाते plus उसको upload करते करते पूरे दिन में हम 4 to 5 hours जो है हमारे इजीली कवर हो जाते हैं। तो आप सब से लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये सारी वीडियोस मैं स्पेशली उन लोगों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली अपलोड कर रहा हूँ जो लॉकडाउन के कारण घर पे बैठे हैं और जो स्टडी नहीं कर पा रहे इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट के ऊपर प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम इसलिए क्योंकि ये थोड़ा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जब तक इसकी लाइव क्लास नहीं देखते आप तब तक आपको इसमें प्रॉब्लम रहेगी रहेगी। अदर सब्जेक्ट्स की तरह ज़्यादातर आप इसको सिर्फ रीड करके ही कवर नहीं कर पाओगे जब तक आपको प्रैक्टिकल समझाने वाला टीचर या ट्यूटर अवेलेबल या इंस्ट्रक्टर अवेलेबल नहीं होगा। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितना भी हमारा ये लेक्चर होता है उस लेक्चर को स्टार्ट से लेके एंड तक पूरा फॉलो किया कीजिए, क्योंकि अगर आप इसको स्टार्ट से लेके एंड तक फॉलो नहीं करोगे तो आपको कभी भी इसके कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएंगे स्टेप बाय स्टेप। इंजीनियरिंग ड्राइंग जो सब्जेक्ट है अगेन स्टेप बाय स्टेप है लाइक ए मैथमेटिक्स, तो अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप कवर करोगे तभी आपको ये सब्जेक्ट कवर होगा, क्लियर। और अगर आप बीच में कोई भी स्टेप छोड़ते हो इसका तो फिर नेक्स्ट स्टेप समझ आना, द नेक्स्ट कंटेंट समझ आना, द नेक्स्ट टॉपिक समझ आना, द नेक्स्ट चैप्टर समझ आना, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर ऑल ऑफ यू। तो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि आप सभी इसको प्रॉपर स्टार्टिंग से लेके एंड तक प्रॉपर फॉलो करो और पूरे लेक्चर को जरूर देखा कीजिए और प्लस आपके जो अदर स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भी शेयर किया कीजिए। अगर आप यही सोचोगे लाइफ में कि मैं ही अकेला आगे बढ़ जाऊँ तो नाउ दिस इज द टाइम फॉर द टीम वर्क, ठीक है, दैट टाइम फॉर टीम वर्क। अगर हम टीम वर्क में कोई भी काम नहीं करते तो हम अकेले सक्सेस नहीं हो पाएंगे। ये आजकल का जो सिनेरियो है यही सिनेरियो है। अगर आप अकेले वर्क करोगे, आप अकेले सोचोगे कि मैं ही पढ़ लूँ या मेरे दूसरे साथी ना पढ़े, तो आप किसी हद तक उस सब्जेक्ट को तो कवर कर लोगे, नंबर भी अच्छे ले लोगे, लेकिन एज अ टीम वर्क अगर आपने काम नहीं किया तो कल को आपकी कोई दूसरा पर्सन भी हेल्प नहीं करेगा। रीज़न मेन कि सपोज अगर आप अपना सब्जेक्ट किसी को बताते हो या अपने सब्जेक्ट के नॉलेज किसी के साथ शेयर करते हो तो डेफिनेटली कोई दूसरा भी अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर जरूर करेगा, मे बी यू आर एज ए स्टूडेंट और मे बी यू आर एज ए फैकल्टी मेंबर्स। तो यही सोच के मैंने लेक्चर जो है ये डिलीवर करने शुरू किए, ऑनलाइन रखे हैं ये लेक्चर, मैंने ओपन रखे हैं फॉर द होल वर्ल्ड स्टूडेंट्स, ठीक है, नॉट फॉर ओनली माई कॉलेज स्टूडेंट्स, नॉट ओनली फॉर माई यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, नॉट ओनली फॉर माई सिटी स्टूडेंट्स, नॉट ओनली फॉर माई स्टेट स्टूडेंट्स, नॉट ओनली फॉर माई कंट्री स्टूडेंट्स। सो दीज लेक्चर्स आर ओपन फॉर ऑल स्टूडेंट्स ऑन द यूनिवर्स, दे आर डूइंग इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर, सेकेंड सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर, मे बी थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर लाइक दैट। सो मे बी दे आर फ्रॉम द IITs, maybe they are from the BTech colleges, maybe they are from the BE colleges, maybe from they are polytechnicals, maybe from they are ITIs, or maybe from they are any designing centers, or maybe they are working with any architect, or maybe they want to knowledge on the engineering drawing subject, they can follow that lectures. तो अगर आपको ये लेक्चर स्टार्टिंग से लेके एंड तक फॉलो करोगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट जरूर होगा। और अगर ये नॉलेज आप अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने स्टूडेंट्स अदर ग्रुप्स में भी शेयर करोगे तो आपको इस चीज़ का बहुत बेनिफिट होगा।
Already I received so many messages from the different universities, professors and assistant professors. They are asking कि हमने आपके ये लेक्चर जो है अपने स्टूडेंट्स के ग्रुप में डिलीवर किए और उनको कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छी तरह घर बैठे ही समझ आने शुरू हो गए हैं जो उनको प्रॉब्लम्स आ रही थी इस सब्जेक्ट में. क्लियर. सो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट अगेन टू ऑल फैकल्टी मेम्बर्स, टू ऑल स्टूडेंट्स, प्लीज शेयर दैट लेक्चर्स विद योर अदर फ्रेंड्स, विद योर अदर व्हाट्सएप ग्रुप्स, विद योर अदर इंस्टाग्राम ग्रुप्स, विद योर अदर ऑन फेसबुक ग्रुप्स एक्सेट्रा. सो यू कैन शेयर दैट लेक्चर ऑन एनी मीडिया. ठीक है. एंड दैट आर ओपन ऑन द माई यूट्यूब चैनल प्रोफेसर बलूट के नाम से जो है. ठीक है. तो यू कैन सी दैट लेक्चर्स फ्रॉम देयर आल्सो. ठीक है. वन बाय वन एंड ऑल लेक्चर्स एज पर द कॉन्सेप्ट वाइज, एज पर द चैप्टर वाइज एंड एज पर द केस वाइज की विच केस फ्रॉम विच चैप्टर. क्लियर. ओके. सो टुडे वी स्टार्ट अगेन फ्रॉम दैट नेक्स्ट टॉपिक और यू कैन से नेक्स्ट केस. एंड इन दैट केस वी हैव द ट्रेपेजॉइडल मेथड. इन दैट केस वी हैव द ट्रेपेजॉइडल मेथड एंड वी ऑल्सो डिस्कस इन दैट मेथड व्हेन द लाइन इज इनक्लाइंड टू बोथ. बेसिकली द केस इज व्हाट. केस हमारे पास वही है अभी जो हमने कल अभी डिस्कस किया था. लाइन इनक्लाइंड टू बोथ. बोथ मीन्स लाइन इनक्लाइंड टू एच पी एज वेल एज लाइन इनक्लाइंड टू वी पी. सो व्हेन ही सेड लाइन इनक्लाइंड टू बोथ, इट मीन्स द लाइन इज इनक्लाइंड टू वी पी एज वेल एज लाइन इज इनक्लाइंड टू एच पी. क्लियर. तो इस केस में हम कल हमने जो केस किया था लाइन इनक्लाइंड टू बोथ, कल हमने उस केस में फॉलो किया था. इन द यस्टरडे लेक्चर वी फॉलो व्हेन द लाइन इज इनक्लाइंड टू बोथ. सो वी फॉलो इन दैट केस द लाइन इनक्लाइंड टू बोथ वन पॉइंट ऑन द रेफरेंस लाइन. क्लियर. एंड अदर पॉइंट अबाउट द रेफरेंस लाइन ड्यू टू सम एंगल. बट इन टुडे केस वी डिस्कस व्हेन द बोथ पॉइंट्स ऑफ योर लाइन अबव एच पी एंड बिलो एच पी, द पॉइंट ए एंड द पॉइंट बी, बोथ आर अबव एच पी एंड बोथ आर बिलो एच पी इन दैट केस. क्लियर. तो ये ऑलरेडी वी डिस्कस द केस इन यस्टरडे लेक्चर एंड दैट केस टुडे केस इज डिफरेंट फ्रॉम द यस्टरडे केस. क्लियर. बिकॉज ऑन दैट केस द वन पॉइंट इज ऑन रेफरेंस लाइन, बट हियर that point is above and below the reference line. Now that is not on the reference line. First thing is that. And the second thing is that in yesterday lecture we discussed the method for find out the true length of a line, that is the rotational method. That is the rotational method. And maybe the projection points or angle is given, then how we can find the true length, that is the rotational method. So we discussed in the yesterday lecture. Today we discuss not rotational method. Today we discuss the trapezoid method. Today we discuss the trapezoid method. So how we can find out the true length in the trapezoid method? Today we discuss about that. So for that discussion, we start the line now. In that case, we have a line again. In the statement, he can say we have a line. We have a line AB is suppose again that see he said that is suppose again 60 mm long. The line AB is suppose 60 or maybe 70 mm long. So he said in the problem we have a line A and B and that is a straight line and that is 70 mm long, suppose he said. Clear. And now in that case he said the line is inclined to both. तो कल हमने जो केस किया था उसमें हमने एक पॉइंट रेफरेंस लाइन पे रखा था और हमने पहले ये कहा था द लाइन इज मेकिंग द एंगल विद एचपी एज वेल एज विद वीपी. सो इन द यस्टरडे केस द लाइन इज इंक्लाइंड टू बोथ द लाइन मेकिंग द एंगल विद एचपी एंड मेकिंग द एंगल विद वीपी. बट इन दैट केस द वन पॉइंट लाई ऑन द रेफरेंस लाइन. क्लियर. तो आज हम उस पॉइंट को रेफरेंस लाइन पे नहीं बोलेंगे. आज हम ये बोलेंगे द पॉइंट ए फर्स्ट. He said in the statement the point A is 30 mm above HP. So it means ये जो आपका point A है, now that is 30 mm above HP. Means मैंने पहले इस point A को 30 mm HP के ऊपर रख दिया.
Now it's 30 mm above HP. He is talking your point A is what? That is 30 mm above HP. Clear? तो 30 mm above HP मैंने जब point को रखा, so we need first the base. The base for that point. So in that case, suppose I made the base of that point first here. तो सबसे पहले मैंने 30 mm के ऊपर एक बेस फॉलो किया जहां पे पॉइंट लाई करेगा. सो इट मींस दैट इज द बेस एंड दैट बेस इज हियर. सपोज द पॉइंट इज हियर, दैट इज यू कैन सी हियर, दैट इज व्हाट, दैट इज 30 mm अबव एचपी. 30 mm एचपी के ऊपर है. यू हैव द एचपी हॉरिजॉन्टल प्लेन इज हियर. ठीक है, प्लीज डाउन द कैमरा एंड लीव द कैमरा, अदरवाइज दैट इज नॉट फोकस ऑन दैट. Clear? So it means in that case, we have the HP is here and this point is 30 mm above HP. Ye point HP se 30 mm upar ho jayega aise. Clear? So it means that distance is how much? That distance is at 30 mm above HP. So already I write here that is 30 mm above HP. Clear? So that point is here. First case is that point is here. So for स्टेप बाय स्टेप आप ऑलरेडी, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि आप स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम्स के पीछे पीछे चलोगे. क्लियर? तो सबसे पहले हमने फर्स्ट पॉइंट लोकेट करने के लिए क्या किया, व्हाट वी डू फर्स्ट, फर्स्ट वी ड्रॉ द एक्सॉय लाइन एंड आफ्टर दैट वी ड्रॉ द प्रोजेक्शन लाइन, प्रोजेक्टर लाइन. आफ्टर दैट वी ड्रॉ दिस रेड प्रोजेक्टर लाइन एंड आफ्टर दैट वी ड्रॉ द लोकेशन ऑफ योर पॉइंट. So the location of your point is 30 mm above HP. तो जहाँ HP खत्म हो रहा है, suppose we have this is the HP. तो जहाँ HP खत्म हो रहा है, पीछे कौन सी लाइन दिखेगी ऐसे आपको? XY line. So we have the XY line is here. So now your point is 30 mm from the XY line. It means from here, from XY line to here, that is distance 30. It means what is here? The distance from the XY line where the projector cut on the XY line, the distance start from there. Where the projector cut on the XY line, the distance start from there. And from there to here, that is how much? That is 30 mm above HP. So this distance is 30 mm above HP first there. Now he is talking about the point P. But for location of the point P, what we need first? First we need the distance from the one projector to the other projector. So what is the distance from the projector one, from the projector first to the projector second? So first से लेके second projector का पहले हमें ये distance चाहिए for find out the locate the point of B. Clear? And that distance again given in the problem, he said that is 50 mm long. The distance between the end projector, now he said that is 50 mm apart. So we have the first projector is here and the second is here, but the distance between both projector, that is 50 mm. So again see here, we have the first projector is here and the second is here, and the distance between both projectors are 50 mm apart. So it means after locating the first projector, we locate the second projector. After locating the first projector, we locate the second projector. Clear? And that distance is 50 mm. Now he is talking about the point B. And now he said the point B not on HP. अगर मैं ऐसे कहूँ कि point B ऐसे है, suppose you can see here, if your point B is here और ये B अगर ऐसे lie कर रहा है, if the B is here, it means in that case the point B lie on where? The point B lie on HP. और if that is on VP, then that lie on XY line. Clear? So it means that point is on HP or maybe on XY line. Clear? But he said the point B is again what? He said the point B is also 60 mm above HP. It means now your point B is here. See it? B lie here. But he said the point B is 60 mm above HP. So when I rotate it, then that is 60 mm above HP. Ye yahan pe aa gaya. This is 60 mm above HP. Here. Clear? So now the point B again said the point A is what? The point A is 30 mm above HP and the B is 60 mm above HP. Clear? So we locate the distance from point B on the projector B. So we have the projector B and again we locate the distance from XY line to here.
that is how much? That is 60 mm. Clear? That is 60 mm. So if I locate the distance, then we can easily locate. We can easily locate the front view point A and the top view point B, and both are with dash. Both are with dash. So what is the line? The line is A to B. So we need that point A to B first. So as per the statement, आप statement के according पीछे पीछे statement के चलते जाओगे. Clear? Already we discussed in the yesterday lecture. Always draw the problem as per the statement. तो statement जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे आप problem को draw करते चले जाओगे. Clear? So here we have the point A and point B. So definitely when the point A is 30 and B is 60, then definitely the line making the angle with HP. So it means in case में आपके पास line जो है HP के साथ यहाँ पे angle बनाती हुई नजर आपको आएगी. So HP and base is parallel to XY. So we can draw the base parallel to XY here again. And now the line is making the angle with HP also here. तो लाइन HP के साथ यहाँ पे आपको एंगल बनाती हुई नजर आएगी. क्लियर? सो यू कैन लोकेट द एंगल ऑफ द लाइन. बट हियर अगेन वी हैव एब्रीविएशन. Here we again have abbreviation when we have the true length. Already we discussed in the yesterday lecture, when we have the true length, the front view angle always denoted with theta, and the top view angle, and the top view angle, we can write here the top view angle always denoted with phi. But when we have the true length, no, because here the line is inclined to VP also. Why? Because we discussed the case line inclined to both HP and VP. तो अगर यहाँ पे line true length में नहीं दिख रही, देखो true में क्यों नहीं दिख रही, practically बताता हूँ. A यहाँ पे है और B आपको लेके 60. तो अगर true हुई तो B तो यहाँ पे बाहर आ रहा है. See it. अगर true हुई तो B तो आपको यहाँ पे दिख रहा है. But here I look at the B here, this point. अगर ये पैरेलल हुई फिर तो बी आपको बिल्कुल इस प्रोजेक्टर के एंड पे यहाँ पे दिख रहा है. क्लियर? वर्टिकल प्लेन के बिल्कुल एंड पे यहाँ पे दिख रहा है. बट हियर आई लोकेट द बी इज हियर. व्हाई? बिकॉज़ इन द स्टेटमेंट ही सेड द लाइन नॉट पैरेलल टू वीपी. इन द स्टेटमेंट ही सेड द लाइन आल्सो इंक्लाइंड टू वीपी. तो लाइन का वीपी के साथ भी एंगल बना रही है. तो डेफिनेटली आप अगर 90 डिग्री आप इसको देखोगे तो आपको इसका ये पॉइंट बी अब यहां पे नजर आएगा लाइक दिस. क्लियर? सो इट मींस इन दैट केस द लाइन इज मेकिंग द एंगल विद वीपी. तो अब लाइन एचपी और वीपी के साथ, क्योंकि हम केस ही वही कर रहे हैं कि लाइन मेकिंग द एंगल विद एचपी एज वेल एज वीपी. तो जब लाइन एचपी और वीपी दोनों के साथ एंगल बना रही है तो फिर भी हमें ट्रू लेंथ दिखेगी? नो. तो फिर भी हमें क्या दिखेगी? दिस इज आवर नाउ हियर That is the LTL, not true length. LTL, not true length. LTL में नजर आई. तो LTL में नजर क्या आई हमें? ये वाली projection length. ठीक है? तो it means जब हमारे पास true length होगी तो front view theta phi से denote करेंगे as per the abbreviation of standards BIS 6.6. But when we have the projection length, it means when we have the LTL, not true length. तो जब हमारे पास LTL होगी, not true length होगी, तो उस केस में हमेशा हम फ्रंट व्यू को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? फ्रंट व्यू ऑलवेज विद अल्फा एंड टॉप व्यू ऑलवेज विद बीटा. सो व्हेन वी हैव नॉट ट्रू लेंथ इन द फ्रंट व्यू एज वेल एज टॉप व्यू. सो हियर वी हैव द टू एब्रिविएशन अगेन हियर, what are the abbreviation? When we have the true length of your line, then the front view always denoted with theta and the top view always denoted with phi. This is the first abbreviation. Second abbreviation, when we have the projection length, then the front view always denoted with alpha and the top view always denoted with beta. Top view always denoted with beta. Clear? This is the abbreviation. So due to that abbreviation, here which angle? Here we locate the front view angle
and that front view as a NTL. So due to that, here we can locate that is alpha. That is which angle? That is angle alpha here we can locate. Clear? So this is the condition of the front view already we located with the help of model as per as on the drawing sheet also. Clear? Now we are talking about the line inclined to VP. Okay. So here we have the HP. I want to show in detail. So due to that, again I fix one base is here, and from that base the line making the angle what? From that base the line making the angle alpha, because that's seen in projection length. So you can say this is the base of your line. Suppose here I want to draw this, ताकि आपको ये proper पता चले कि कैसे locate हो रही है. So suppose अगर मैं आपका line का base यहाँ पर draw कर रहा हूँ, ऐसे suppose. So it means the line is making the angle here with that base, and this angle is what? This angle you can say that is the angle alpha. That is the angle alpha. You can see here this is the angle alpha. ठीक है, तो यहाँ पे आपको लाइन जो है अल्फा एंगल के साथ नजर आएगी. When he said the line is inclined to HP. Clear? And he also said the point A is what? The point A is 30 mm above HP. Again see, and point B is 60 mm above HP, like that. But now we say the point A is also, the point A also 40 mm in front of VP. Up point 30 mm, ध्यान से समझे इस बात को. Point A 30 mm above HP तो था, clear? But now he said that is 40 mm in front of VP. तो ये point 40 mm in front of VP इधर चला गया. It means that distance is how much? 40 mm in front of VP. Follow this thing. Now here the point, if the point is here, then that distance is what? That distance is 40 mm in front of VP. तो point आपका VP से 40 mm यहाँ से आगे चला गया. That is 40 mm in front of VP. Clear? So if that is 40 mm in front of VP, if any point, first we are talking about which point? We are talking about the which point? Now here we are talking about the point B. Clear? And now we say the point B is 40 mm in front of VP. तो अगर आपका कोई भी point B suppose 40 mm in front of VP ऐसे नजर आ रहा है, तो वो top से कहाँ दिखेगा? On HP. And after taking the direction of HP in clockwise direction, तो वो HP पे दिखा, तो जब HP को clockwise direction में हमने rotate किया, तो वो point नीचे आ गया. Clear? So your 70 point is here now. Clear? So you can locate, yes, that is almost 70, okay. So, sorry, not 70, that is 40. 40 mm in front of VP. तो जब आपने, अभी हम यहाँ की बात कर रहे हैं, he said your point is 40 mm, point A is, again listen, point A is what? 30 mm above HP, and again not talking about the point B. Now he is talking about the point, suppose what? Point A. A की बात कर रहे हैं, पहले हम A को लोकेट करने जा रहे थे, तो A को हमने लोकेट कर दिया, don't confuse here, मैं B को नहीं कहता. तो पहले हमने A को लोकेट कर दिया, A is 30 mm above HP, and A is 40 mm in front of VP. So it means ये 40 mm in front of VP का कौन सा point? A का. तो A का तो B के projector पे नहीं, A के projector पे ही नजर आएगा, because you locate the projector is here. So that is what? That is 40 mm in front of VP. ऐसे 40 mm आगे निकल आया, और जब हमने rotate किया तो ये 40 mm नीचे चला गया, नीचे projector के ऊपर. It means now the 40 is here. Follow? So it means you locate the point B here, and that is what? That is again 40 mm in front of VP, and this is the point what? This is the point we have here, the point B. Point B, that is 40 mm in front of VP. Okay. Now he is talking about the point A. He is talking about the point A. So point A is 40 mm in front of VP. Sorry. Again. Point A is 30 mm above HP. Again listen, point A is 30 mm above HP, and that is 40 mm in front of VP.
तो इट मींस ए का पॉइंट है तो ए के प्रोजेक्टर पे लोकेट होगा. सो इफ दैट इज 40 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी लाइक दैट, ये 40 mm वीपी से आगे निकल रहा है, व्हेन वी सी फ्रॉम द टॉप देन दैट 40 इज वेयर, देन डेफिनेटली दैट 40 ऑन एचपी द पॉइंट ए इज रोल्ड आउट. 30 mm पॉइंट ए का था, 30 mm अबव एचपी था लाइक दिस, तो यहां पे नजर आया. And he said 40 mm in front of VP, तो 40 mm VP से आगे चला गया. टॉप देखा तो HP पे आया, और HP को जब हमने क्लॉकवाइज रोटेट किया तो 40 mm बिलो नजर आया. क्लियर? तो ऐसे हमें वो पॉइंट 40 mm नीचे नजर आएगा. क्लियर? नाउ ही इज टॉकिंग अबाउट द पॉइंट B. अब A यहां पे खत्म हो गया. नाउ ही इज टॉकिंग अबाउट द पॉइंट B. नाउ ही सेड द B इज नॉट ऑन VP, ही सेड द B इज आल्सो अगेन तो अब अगर B 70 mm in front of VP इधर चला गया, तो टॉप से हमने देखा तो टॉप से B कहां पे लाई करता नजर आया. फ्रॉम द टॉप व्यू द B लाई ऑन HP, फ्रॉम द टॉप व्यू द B लाई ऑन HP. क्लियर? सो आफ्टर टेकिंग द प्रोजेक्शन ऑन HP, तो इट मींस अब आपकी लाइन ऐसे आ गई थी. HP के ऊपर अगर प्रैक्टिकल दिखाऊं तो आपकी लाइन ऐसे आ गई थी कि 30 mm above HP, फर्स्ट 30 mm above HP एंड A is 40 mm in front of VP, और B अब आपके पास 70 mm in front of VP इधर आ गया. It means the top view of the line is here, and after taking the projection on HP, when you rotate the HP into clockwise, then that is here. Then that is here. You can see 30 and 70 in the front view. Clear? So in that case, आपके पास सर क्या होगा? See it again. A 30 mm in front of VP है और B 70 mm in front of VP चला गया. तो definitely B की बात कर रहा है तो B के projector पे locate होगा. तो हमने 70 mm यहाँ पे locate कर दिया B के projector पे. That B is here now. Clear? So what is its top view? The top view is B and that is here. We located the point B for its top view. Clear? So what is the line? That is again straight line A to B. So we locate the both points A and B, then we can easily meet, that is A to B, and this is our straight line in that case. So this is our straight line in that case. We find it in the top view also. Here we have A and B. Clear? And in the both case the line is what? In the both case the line is again what? The line is again NTL, not true length, because the line is inclined to VP. Because the line is inclined to VP. Inclined कैसे हुई? अगर A 30, A अगर हमारे पास 40 है और B हमारे पास कितना है? B 70 है. तो definitely the line है 40 और 70 VP के साथ angle बना रही है. ठीक है? And you can also see that thing from here. The line making the angle, this angle, and then line making the angle with XY also. So if any line making the angle with XY in the top view, then definitely that is inclined with the vertical plane. Clear? Same like that, the line making the angle with the XY in the front view also. So it means if the line is making the angle with the front view, the line is also inclined to HP. And here line also inclined to VP. So this is the case. Yahan tak statement mein given hoga. Up to here that step is given in the statement. Up to here that step is given in the statement. फिर मैं बता रहा हूँ statement में कैसे given होगा. फटाफट देखो. He said we have a line AB is 70 mm long and the distance between the end projector of that line is 50 mm apart and the point A of that line is 30 mm above HP and 40 mm in front of VP and the point B 60 mm above HP and 70 mm in front of VP. Clear? And he said draw the projection of the point. Draw the projection of the point. तो अगर हमने इतना काम कर दिया तो हमने पॉइंटों की प्रोजेक्शन को ड्रॉ कर दिया. And he said
draw a straight line meeting their points in the front view as well as top view. तो हमने front view का a dash b dash meet करा दिया, a और b meet करा दिया, then we can find the straight line. If we find the straight line line of that line with the projection method, then definitely we can find that line makes the what angle alpha as well as beta. So from here we can draw the base of that line, and that should be always parallel to xy line. And after draw the base, we can measure the angle. What? We can measure the angle alpha. And again from that side, we can draw the base of your line from the point A. And that base again, what? That base again parallel to your xy line. And if you draw the base, then you can easily find what is the angle of the beta of your line. Clear? So with that method, if the points are given and the projections are given of that point, you draw the projection of that point. So the projection, if the points are given, then you can easily draw the projection of the points. And after draw the projection of points, you can easily draw the straight line. And after draw the straight line, you can easily find out here what is the angle alpha and what is the angle beta, and that is with that projection and NTL of that line. And from that side, we can measure the angle of alpha and beta, and we can write here what is the front view and top view angle of the projection and of that line. Clear? So up to here, that is given in the statement. Up to here, that is given in the statement. Clear? But now we said draw the true length of your line. Now what he said? Now he said draw the true length of your line. तो true length कब आएगी हमारे पास? True length एक तो चीज ये थी कि line अगर ऐसे चलेगी, like this, line ऐसे पड़ी हुई है, तो अब अगर मैं A को fix करके B को rotate करके लेके जाऊँ और फिर इसको 90 degree projection लेके जाऊँ, तो ऊपर लेके जाऊँ 90 degree projection rotation के बाद, तो वो front view की true length आ जाएगी. ऐसे ही ये HP के साथ inclined है, तो rotate करके पहले नीचे लेके जाऊँ और फिर 90 डिग्री में इसको फ्रंट से देखो प्रोजेक्शन में, तो इसकी फ्रंट व्यू ट्रू लेंथ आ जाएगी. क्लियर? तो ये टॉप व्यू ट्रू लेंथ आ जाएगी. तो ये रोटेशन मेथड है जो ऑलरेडी हम कल डिस्कस कर चुके हैं. सो यू कैन आल्सो ड्रॉ द ट्रू लेंथ विद द रोटेशनल मेथड. मैं सिंपली आपको बताता हूँ कैसे. जैसे ये प्रोजेक्शन लेंथ है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ए को फिक्स करके बी को ड्रॉ करके अप टू द बेस लेके जानी है. एक्स वाई तक नहीं आएगी, अब लास्ट केस में एक्स वाई तक आएगी, बट नाउ अप टू द बेस ऑफ लाइन ए. सो बेस लाइन ए, बेस लाइन और ए. सो वी रोटेट अप टू द बेस. अप टू द बेस क्यों बने? क्योंकि लाइन यहां से इंक्लाइंड हो रही है, एचपी से 30 mm ऊपर से इंक्लाइंड हो रही है. और ये एचपी के साथ पैरेलल कब होगी? जब ए को फिक्स करके बी को रोटेट करके ए के पैरेलल ले जाऊंगा, तभी ये पैरेलल टू एचपी हो जाएगी. लेकिन अगर मैं ए को फिक्स करके बी को नीचे लेके जाऊंगा, ये तो फिर एंगल बना जाएगी एचपी के साथ. क्लियर? सो ये याद रखना, अप टू द बेस ऑफ योर एचपी ओनली. क्लियर? सो अप टू द बेस ऑफ योर लाइन एंड दैट बेस शुड बी पैरेलल टू द एचपी. तो इट मींस हियर दैट बेस स्टार्ट फ्रॉम हियर, दैट स्टार्ट फ्रॉम ए. वी ड्रॉ द बेस एंड दैट इज पैरेलल टू एक्स वाई. सो ड्यू टू दैट वी फिक्स द ए एंड रोटेट द बी अप टू द बेस, एंड आफ्टर दैट वी ड्रॉ द परपेंडिकुलर ऑन द अदर लोकस. तो इस लोकस में जहां परपेंडिकुलर मिलेगा, तो ए को उससे मीट कर देंगे, तो वो उसकी ट्रू लेंथ आ जाएगी. ऐसे फ्रंट में वीपी के साथ इंक्लाइंड है, ऐसे वीपी के साथ इंक्लाइंड है, तो रोटेट अप टू द बेस ऑफ वीपी इन द फ्रंट व्यू. तो इट मींस ए को फिक्स करके बी को बेस तक ले जाएंगे और 90 डिग्री ऊपर लोकस पे कट करेंगे जाके यहां पे, तो वो उसकी ट्रू लेंथ आ जाएगी. क्लियर? सो दिस इज द रोटेशनल मेथड व्हेन द पॉइंट्स आर नॉट ऑन द xy, these points are above or below the xy line, then you can find the rotational method here. Clear? But now we start the trapezoidal method. So trapezoidal method में हमने cover करना है. Rotational में अगर कहोगे तो दोबारा इस problem के ऊपर दोबारा lecture में deliver कर दूंगा आपको, ठीक है, record करके दोबारा भेज दूंगा. But we start the trapezoidal method. तो trapezoidal method में है क्या? पहले मैं सिंपल आपको समझा देता हूं कि ये होगा कैसे.
ठीक है, इट्स नॉट टफ मेथड, इट्स आल्सो इजी मेथड लाइक ए रोटेशनल मेथड. पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ट्रेपेज़ॉइड में ड्रॉ कैसे करते हैं ट्रू लेंथ, फाइंड आउट कैसे करते हैं बेसिकली ट्रू लेंथ. उसके बाद आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि हम ये ट्रू लेंथ कैसे फाइंड आउट की है, तो इसका रीजन क्या है, क्यों करते हैं, वो प्रैक्टिकल आपको बताऊंगा. ठीक है, तो पहले आप देखो ट्रेपेज़ॉइडल मेथड, इट्स वेरी सिंपल. ठीक है, इसीलिए पेपर में काम आता है, लेकिन कभी कभी याद नहीं रहता एग्जाम में, तो बीइंग ए इंजीनियर बीइंग ए स्टूडेंट हमें पता होना चाहिए कैसे होगा. तो ट्रेपेज़ॉइडल मेथड में हमने करना क्या है, सीट ट्रेपेज़ॉइडल मेथड में हमारे पास जो लाइन इनक्लाइन है उस लाइन के दोनों पॉइंट ए और पॉइंट बी से हम प्रोजेक्टर लाइन ड्रॉ कर देंगे. एंड दैट प्रोजेक्टर लाइन शुड बी परपेंडिकुलर टू द इंक्लिनेशन लाइन. बच्चे क्या करते हैं, कौन सी लाइन इनक्लाइन थी हमारे पास, ए टू बी, फ्रॉम पॉइंट ए टू बी वी हैव अ लाइन एंड दैट इज इनक्लाइंड इन द फ्रंट व्यू. तो स्टूडेंट क्या करते हैं, दिमाग में ये रहता है कि परपेंडिकुलर, तो वो क्या करते हैं, बेस के साथ परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, लाइक दिस. नो, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग. द परपेंडिकुलर शुड बी विद द इंक्लिनेशन लाइन, जो आपकी एनटीएल है, जो आपकी प्रोजेक्शन लेंथ है, उसके परपेंडिकुलर होने चाहिए. तो उसका परपेंडिकुलर कैसे होगा, आपका ड्राफ्टर का ये स्केल है सपोज, तो आप ड्राफ्टर के स्केल को, हॉरिजॉन्टल स्केल को सपोज आप इस एंगल वाली लाइन के पैरेलल कर दोगे. क्लियर, इट मींस व्हेन आई मीट फ्रॉम पॉइंट ए टू बी देन आवर ड्राफ्टर इज ऑटोमेटिकली एट द एंगल ऑफ अल्फा. क्लियर, दिस स्केल एट द एंगल ऑफ अल्फा. तो अगर हमने ये ड्राफ्टर का एक स्केल इस एंगल पे कर दिया, तो अपोजिट स्केल ऑटोमेटिकली इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा. सो यू कैन ड्रॉ दैट प्रोजेक्शन फ्रॉम द अपोजिट स्केल. फॉलो दिस थिंग, सो इट मींस दिस एंगल शुड बी एट 90 डिग्री. क्लियर, सो इट मींस द प्रोजेक्शन फ्रॉम द पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, ड्रॉ द परपेंडिकुलर टू द एनटीएल, टू द प्रोजेक्शन लाइन, टू द इंक्लिनेशन लाइन. क्लियर, एंड सेम फ्रॉम अदर साइड वी कैन ड्रॉ हियर लाइक दिस. एक स्केल को हमने उस लाइन के साथ उस एंगल पे कर दिया, इट मींस किस एंगल पे, अल्फा एंगल पे, और अपोजिट स्केल जो आता है वो ऑटोमेटिकली उसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, लाइक दिस. सो इट मींस ड्रॉ द परपेंडिकुलर ऑफ दैट प्रोजेक्शन लेंथ फ्रॉम बोथ पॉइंट्स ए एंड बी. ठीक है, एंड सेम फ्रॉम द लोअर साइड, इस तरफ से भी हम ऐसे ही करेंगे, ड्रॉ द परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट ए एंड पॉइंट बी. बट ये याद रखना, ये दोनों परपेंडिकुलर लाइन के अपोजिट साइड पे बाहर की तरफ होने चाहिए, अंदर की तरफ नहीं. अंदर की तरफ कर दोगे तो और कंफ्यूजन हो जाएगी, प्रॉब्लम समझने में. इट शुड बी अपोजिट साइड फ्रॉम दैट लाइन. क्लियर, एंड अगेन फ्रॉम दिस साइड यू कैन ड्रॉ द परपेंडिकुलर लाइक दिस. ठीक है, तो दोनों तरफ से परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करोगे फॉर फाइंड आउट इट्स ट्रू लेंथ विद द हेल्प ऑफ ट्रेपेज़ॉइड मेथड. Clear? So I draw the perpendicular from both side like this. तो दोनों तरफ पे मैंने perpendicular line के draw कर दिए. First draw the perpendicular like this from both side of the line. It should be perpendicular. ये भी 90 degree होना चाहिए, ये भी और ये भी और ये भी. किसके projection length? Clear? तो ये चारों तरफ से from all side this should be 90 degree. Clear? ओके, नाउ आफ्टर दैट व्हाट, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या करते हैं ट्रेपेज़ॉइड मेथड में, कि अबव एक्स वाई का जो डिस्टेंस है उसको बिलो एक्स वाई कट कर देते हैं. ध्यान से समझो, इसके बाद हम क्या करते हैं, व्हाट वी डू आफ्टर दैट फॉर फाइंड आउट इट्स ट्रू लेंथ वी कट द अबव डिस्टेंस, इट मींस द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स वाई लाइन फ्रॉम द अपर साइड. ठीक है, एंड दैट डिस्टेंस कट फ्रॉम द lower side of the xy line. Clear? And lower side distance will cut from the upper side. It means upper ka jo distance hai xy se point A aur point B ka. Clear? Us distance ko hum xy ke lower point A aur B pe cut kar denge. And in the other words you can say the front view distance cut on the top view distance and the top view distance cut on the फ्रंट व्यू डिस्टेंस. अब आपको अच्छी तरह याद रहेगा. सो इट मींस व्हाट आई डू हियर, आई ओपन द कंपास फ्रॉम ए टू एक्स वाई, ए टू एक्स वाई, ओपन द कंपास फ्रॉम ए टू एक्स वाई लाइक दिस, ओपन द डिस्टेंस दिस
एंड कट ऑन हियर ए। लेकिन याद रखना ए का डिस्टेंस ए पे ही कट करोगे, बी पे नहीं। अगेन सी, वी ओपन द कंपास एक्स वाई टू ए एंड दैट डिस्टेंस हाउ मच, दैट डिस्टेंस इज 30 mm एंड वी कट दिस डिस्टेंस हियर दैट इज 30। सपोज दिस इज अगेन आई राइट हियर ताकि आपको पता चल जाए दिस इज 30 एंड कट ऑन द डिस्टेंस ए। क्लियर? और यहां पे अब हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, ट्रेपेज़ॉइड मेथड से हम क्या फाइंड आउट करने जा रहे हैं यहां पे, वी फाइंड आउट इट्स ट्रू लेंथ। तो ट्रू लेंथ के पॉइंट्स में हम वी नो इट ऑलरेडी, द ट्रू लेंथ पॉइंट्स आर इन द कैपिटल लेटर्स। सो आई राइट हियर, मैंने यहां पे एक एब्रिविएशन बना दी कि इसको कैपिटल लेटर से फॉलो करो तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा, फिर गलती नहीं होगी एग्जाम में। कैपिटल लेटर से इसलिए एक एब्रिविएशन मैंने बना दी, यहाँ पे खुद की दी हुई एब्रिविएशन है, इसलिए क्योंकि कैपिटल लेटर क्या है, दीज आर द बिग लेटर्स, और बिग लेंथ कौन सी होती है, ट्रू लेंथ, और प्रोजेक्शन लेंथ हमेशा क्या होती है, छोटी लेंथ। सो ड्यू टू दैट दीज शुड बी विद कैपिटल लेटर एंड फ्रॉम दैट साइड वी हैव अगेन ओपन द कंपास फ्रॉम एक्स वाई टू बी, दैट इज हाउ मच, दैट इज 60। सो वी ओपन द कंपास एक्स वाई टू हियर, that is 60 mm long and we cut that distance again on where, again on the point B and that is 60. So we have the true length point B in the top view and that is how much distance, that distance is 60 distance, that distance is 60. And what is the line that is from A to B? So you look at the point A and look at the point B, after that you can easily draw its true length. So meet the point A and B in that case. So with that method you can find its true length in which view, in the top view. Clear? So this is the what? This is our now, that is the true length of your line in the top view. You find it. So इधर भी हमने ढूंढ ली है, दोनों तरफ ही ढूंढ ली है, नॉट आउट कि दोनों ट्रू लेंथ सेम होंगी, बट ढूंढनी दूसरी तरफ भी है। तो इट मीन्स फ्रॉम दिस साइड अगेन कट द डिस्टेंस, which distance now cut, that is 40, xy to a distance in the top view, how much, this distance 40, so locate that 40 distance, cut that distance, open that distance with your compass and cut here, this is 40, so it means you can cut the distance, that is 40 is here, so that you can also cut with the scale, that is 40. So here we locate the front view true length point a dash. True length है capital letter, front है तो a dash, and again we have locate the distance b, and distance b from where, again we take the 40 from top and again we take the 70 from top, because x y से b का distance top में कितना है 70, so we open that distance, that is how much, that is 70, and we cut again on the projector b and this one is 70, clear, cut on the projector b and this one is on 70. So it means this is the distance 70 and that is in which view, front view, so B dash is here. Clear? Again what is the line, that is from A to B, so you locate the front view point A dash as well as B dash, so after that you can easily draw the meet that points and you can easily find it its true length. So that is the true length, we can find it with the trapezoidal method in the front view. Clear? So in the front view you also find out its true length. You also find out its true length in the front view. Clear? So this is the trapezoidal method, and with that method you can easily find out its true length. When the end projectors are given and the distance are given above HP and below HP and in front of VP like that and above HP, clear, or below HP, so if that distance are given then you can easily draw it. Clear? Okay, so ye hota kyun hai actually, ye yahan tak to humne samajh liya tha ki line 30 mm HP se upar chalegi aur fir 60 aur 60 mm above HP chalegi aur VP pe idhar 70 idhar chalegi aur projector itna distance hai और 40 इधर है वीपी से, तो फिर 70 भी इधर चला गया और लाइन अब इंक्लाइन टू होगी एचपी एज वेल एज इंक्लाइन टू एचपी, एचपी के साथ एंगल बना रही है लाइन अब और इधर इंक्लाइन टू वीपी, तो ये हमें लाइन नजर आई, ठीक है, बिकॉज क्या नजर आई,
when the angle of the line is increased, then the length of line is decreased. So it means line दोनों plane के साथ angle बना रही है, HP as well as VP, तो दोनों plane के ऊपर वो compressed length में, decreased length में नजर आएगी. तो ये तो हमने find out कर लिया. और true length find out करने के लिए हमने trapezoidal का ये method लगा दिया. But ये method लगता क्यों है? क्या फंडा क्या है? क्यों बनता है ये method? ये method बनता क्यों? ये मेथड इसलिए बनता है, देखो पहले मैं प्रैक्टिकली आपको बताता हूँ ये मेथड बनता क्यों है, क्यों बना, बेसिकली बना क्यों. ये मेथड इसलिए बना कि क्योंकि कोई भी लाइन इंक्लाइंड टू एच पी है, यहां समझना, कोई भी लाइन इंक्लाइंड टू एच पी है और मे बी इंक्लाइंड टू वी पी है. जब अभी मैं यही कहता हूँ कि कोई भी लाइन इंक्लाइंड टू एच पी है, तो अब एक तो मेथड ये था कि हम एक पॉइंट फिक्स करके बी को रोटेट करके कर देते पैरेलल टू एच पी, तो डेफिनेटली टॉप व्यू से ट्रू लेंथ नजर आए. ठीक है, तो अब बीइंग इंजीनियर हम कहते हैं कि हमने रोटेट नहीं करना, कोई और मेथड भी तो होगा, बिना रोटेशन के ही हम इसकी ट्रू लेंथ फाइंड आउट कर पाए. क्लियर? तो यस, डेफिनेटली और मेथड है जिसके साथ हम बिना रोटेशन से इसकी ट्रू लेंथ फाइंड आउट कर पाएंगे. डेफिनेटली वी हैव द अदर मेथड. ठीक है, बिकॉज एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द इंजीनियरिंग. ठीक है, तो अलग मेथड तो है. अब वो अलग मेथड क्या होगा, अगेन इसके ऊपर स्ट्रेस देते हैं हम, इसकी ट्रू लेंथ रोटेशनल मेथड से ट्रू लेंथ क्यों, कैसे फाइंड आउट करते थे. जब ध्यान से समझना इस चीज को, जब ए को फिक्स किया और बी को रोटेट करके पैरेलल टू ए ले गए, तब हम इसकी ट्रू लेंथ हमें दिखनी शुरू हो जाती थी टॉप व्यू से, सपोज लाइन इंक्लाइंड टू एच पी थी. क्लियर? अब इसलिए ट्रू लेंथ दिखती थी, लेकिन प्रैक्टिकली ये ट्रू लेंथ दिखती क्यों थी? Why practically that true length seen when in rotation? When that is in rotation, it means why practically true length seen in rotational method? क्यों दिखती थी? क्योंकि ये लाइन उस प्लेन के साथ पैरेलल हो जाती है. ऑलरेडी हमने फर्स्ट स्टेप यही पढ़ा था, when the line is parallel to any plane, then it's true length line on it. तो अब ये लाइन रोटेशन क्यों थी? क्योंकि A point HP पे पड़ा था और लाइन को हमने पैरेलल टू एचपी करना था, इसलिए हमने ए को फिक्स करके बी को रोटेट करके पैरेलल टू एचपी करने के लिए बी को रोटेट करके पैरेलल टू ए ले लिया. तो जब हम बी को पैरेलल टू ए कर देंगे, देन द डेफिनेटली द लाइन इज पैरेलल टू एचपी हो जाएगी इस केस. क्लियर? तो इट मींस अब लाइन इनक्लाइंड है तो हमने रोटेट नहीं करना. तो ट्रू लेंथ दिखने का फंडा क्या था? द प्लेन शुड बी पैरेलल टू द लाइन. अगर अब एक पॉइंट एचपी पे भी नहीं है, जैसे इस केस में था कि 1 पॉइंट ए इज 30 mm अबव एचपी एंड द पॉइंट बी इज 70 mm अबव एचपी, तो अब एचपी पे नहीं है ए पॉइंट, अब 30 mm अबव एचपी है पॉइंट ए एंड बी 70 mm अबव एचपी है. तो अब हम इसको एचपी के ऊपर तो नहीं रख रहे रोटेट करके, अब इसको कहाँ पे रख रहे हैं? जब ये बी भी रोटेट होता हुआ 30 तक चला जाएगा, देन डेफिनेटली ये लाइन पैरेलल हो जाएगी, दोनों पॉइंट सेम डिस्टेंस पे हो जाएंगे फ्रॉम दैट प्लेन. क्लियर? और किस प्लेन से? एचपी से. ए भी 30 ऊपर है एचपी से और बी भी अब 30 ऊपर है एचपी से. क्लियर? इसीलिए आपको फ्रंट में ये पॉइंट ए 30 दिख रहा था और बी यहाँ पे जो दिख रहा वो भी 30 अबव एचपी. क्लियर? लेकिन ये HP पे जब आ गए तो ये दोनों 30-30 हो गए, तो सेम डिस्टेंस हो गया. जब ये सेम डिस्टेंस हो गया तो लाइन क्या होगी? पैरेलल. और जब ये लाइन पैरेलल होगी तो उस प्लेन के साथ क्या होगी? ट्रू लेंथ. तो ये फंडा था रोटेशन. लेकिन अब वो कह रहा है कि आप कह रहे हो कि एवरीथिंग इज पॉसिबल इन इंजीनियरिंग. तो अब आपकी लाइन अगर इंक्लाइंड है तो मैं इसको रोटेट नहीं करना, मैं इसको ऐसे ही स्पेस में ट्रू लेंथ देखना चाहता हूँ. तो ट्रू लेंथ देखने के लिए क्या फंडा था? द प्लेन शुड बी पैरेलल टू दैट लाइन. तो अब अगर मैंने लाइन को रोटेट नहीं करना चाह रहा, लाइन को एंगल पे ही रखना चाह रहा है, ठीक है, तो इसी एंगल के पैरेलल अगर मैं एक प्लेन इधर अज्यूम कर लूं, अब समझो ट्रैपेज़ॉइडल मेथड, इसी लाइन के पैरेलल अगर मैं एक प्लेन इधर अज्यूम कर रहा हूं, दिस इज प्लेन वन अदर प्लेन, इसी लाइन के पैरेलल एक प्लेन इधर अज्यूम कर लिया, जो प्लेन इस लाइन के पैरेलल है पॉइंट ए और पॉइंट बी से बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे है,
तो डेफिनेटली उस प्लेन के ऊपर लाइन क्या दिख जाएगी, ट्रू लेंथ। उस प्लेन के ऊपर क्या दिख जाएगी, ट्रू लेंथ। तो डायरेक्टली कब ट्रू लेंथ दिख रही है, जब मैं पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों को उस प्लेन के साथ परपेंडिकुलर देख रहा, तब वो ट्रू लेंथ दिख रही है। क्लियर? तो उसने यही किया, उसने यहां क्या किया प्रैक्टिकली, ये देखो उसने लाइन इस एंगल पे थी, लाइन इज एट दिस एंगल, और इसी एंगल पे उसने एक प्लेन अज्यूम कर दिया एट द सेम एंगल। यहाँ पे एक प्लेन अज्यूम कर दिया, उसने एक प्लेन यहाँ पे अज्यूम कर दिया एट द सेम एंगल ऑफ योर लाइन। समझ आई बात? और उस प्लेन तक पॉइंट ए और बी के दोनों प्रोजेक्टर क्या जा रहे हैं, परपेंडिकुलर। ड्यू टू ड्रॉ द परपेंडिकुलर प्रोजेक्टर फ्रॉम ए टू बी, क्लियर? बिकॉज इन दैट प्लेन द प्रोजेक्टर आर परपेंडिकुलर, बिकॉज व्हेन द प्लेन इज पैरेलल देन दैट प्रोजेक्टर इज ऑटोमेटिकली परपेंडिकुलर टू दैट प्लेन। क्लियर? तो इस प्लेन के ऊपर लाइन की क्या चलेगी, ट्रू लेंथ। और जब मैंने इसको रोटेट किया तो वो ट्रू लेंथ आपको यहां पर मिल जाएगी। क्लियर? एक्चुअली दिस इज द कॉन्सेप्ट इन द कर्व डायग्राम। और इस कॉन्सेप्ट को आपको और अच्छी तरह समझाने के लिए मैंने और मेरी असिस्टेंट ने हमने कल एक नया आपके लिए मॉडल प्रिपेयर किया है, जिससे आप इस लाइन को और अच्छी तरह समझ सकते हैं। प्रैक्टिकली ये प्रैक्टिकली हो कैसे रहा? See it. We draw that thing. We made, basically we can say, we made that thing in yesterday after your lecture. So, this is your line first. अब सबसे पहले ये देखो कि ये आपके पास अभी ये लाइन है सिर्फ। अभी आपके पास लाइन ये दिख रही है फ्रंट व्यू में 30 एंड 60, और ऐसे ही अगर मैं टॉप व्यू में कहूँ तो आपको दिख रही है 40 और 70, और एंड प्रोजेक्टर का डिस्टेंस दिख रहा है 50। तो सेम डिस्टेंस मैंने यहाँ भी लिए ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? तो ये लाइन दिख रही है, एक्चुअली वेयर इज द पोजीशन ऑफ लाइन, लाइन की पोजीशन इस प्लेन के अकॉर्डिंग कहाँ पे बनी, यू कैन सी हियर प्रॉपरली नाउ। नाउ दिस इज द पोजीशन ऑफ दैट लाइन। अब आपके पास इस लाइन की ये आपको ब्लू लाइन नजर आ रही होगी फ्रंट से नजर आ रही है ब्लू लाइन आपको। कैमरा यहाँ फिक्स कर दो प्रॉपर प्लीज, और कैमरा को छोड़ दो तो फोकस करेगा। तो ब्लू लाइन आपको कैमरा हिलेगा समझ में आएगी। सो ब्लू लाइन आपको यहाँ पे नजर आ रही है प्रॉपर इन द फ्रंट व्यू हियर, क्लियर? सो दैट इज द ब्लू लाइन, एंड एक्चुअली दैट इज योर ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन। एक्चुअली आपके पास ये लाइन की ट्रू लेंथ ये है जो आपको यहाँ पे पड़ी हुई है, और इस ट्रू लेंथ में क्या है, द पॉइंट इज वट 30 mm अबव एच पी एंड द पॉइंट बी इज 60 mm अबव एच पी इन दैट ट्रू लेंथ। क्लियर? अगेन द पॉइंट ए इज वट 40 mm, यस 40 mm इन फ्रंट ऑफ वी पी एंड द पॉइंट बी इज 70 mm इन फ्रंट ऑफ वी पी। सो दिस इज द एक्चुअल पोजिशन ऑफ योर लाइन, दिस इज द एक्चुअल पोजिशन ऑफ योर लाइन। And when the line is that actual position, then the distance between the end projector first and second, that is how much, that distance is what he said, that distance is 50 mm long. From first projector is here suppose, and the second projector is on the other hand, on that point here. So we are the two projector, suppose one is here, that projector. One is here suppose, and on the end of the point line B, and the other projector is suppose here on the end of the line A here. So it means both projectors are here like that, 50 mm. तो अब दोनों projector यहाँ पे है, और आपके पास जो line की exact position है, ध्यान से देखो इस model में अच्छी तरह समझ आएगा। ये position है 30 और 60 क्या थे, above HP दोनों point A and B, 30 and 60, और इधर थे हमारे पास ए 40 एंड 70। तो ये 40, 70 और 40 टॉप से एच पी पे देखे, रोटेट किया तो नीचे चले गए थे, और ये अबाव एच पी देखे 30 और 60, तो ये फ्रंट में देखे तो ये आपको फ्रंट व्यू में नजर आ रहे थे। तो इसलिए आपको यहाँ पे 30 और 60 और टॉप पे 40 और 70 नजर आ रहे थे। क्लियर? अब इसका फंडा क्या है, सेट एक्चुअली लाइन आपके पास कहाँ थी, यहाँ पे।
अब इस लाइन को आपने क्या देखा, इस लाइन को आपने परपेंडिकुलर देखा, लाइन आपके पास यहाँ पे है, ठीक है। मैं दूसरा प्लेन रख के आपको बताता हूँ साथ साथ, लाइन आपके पास यहाँ पे लाई कर रही है, लाइन यहाँ पे लाई कर रही है सपोज, और इस लाइन को आप क्या कर रहे हो, इस लाइन को आप परपेंडिकुलर देख रहे हो इस प्लेन के साथ। परपेंडिकुलर देखने का मतलब कि ये प्लेन अब मैंने इस लाइन के पैरेलल अज्यूम कर लिया, इस लाइन के एंगल के पैरेलल अज्यूम कर लिया। और अभी अगर मैं समझूं इस प्लेन को ध्यान से, तो ये प्लेन मेरे पास किस डायरेक्शन में है, ये प्लेन वर्टिकल डायरेक्शन में है, ये पूरा प्लेन यू कैन सी दिस इज इन वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन में है। लेकिन ये प्लेन वीपी के साथ क्या है, वीपी के साथ ये प्लेन हमारे पास इनक्लाइंड है, इनक्लाइंड है, ठीक है। और एचपी के साथ क्या है, परपेंडिकुलर है, इसलिए इस प्लेन को हम बोलेंगे ऑक्सिलरी ऑक्सिलरी वर्टिकल इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। जहां वी कैन से ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन, ऑक्सिलरी वर्टिकल इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। बेसिकली हमने ऑक्सिलरी में प्रिंसिपल प्लेन के अलावा ये एचपी और वीपी के अलावा एक प्लेन अज्यूम कर दिया जो इस डायरेक्शन में, सो दिस इज द ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन। बेसिकली द करेक्ट नेम ऑफ दैट प्लेन इज ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन। और ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन होता कैसे है, दैट प्लेन इज इनक्लाइंड टू वीपी एंड परपेंडिकुलर टू एचपी, क्लियर। तो जब मैंने ये प्लेन अज्यूम किया, ठीक है, और इस प्लेन को एक पर्टिकुलर मैं क्या किया, एक डिस्टेंस पे इधर ले गया, यहाँ पे अज्यूम किया, यहाँ पे अज्यूम किया, तो पर्टिकुलर डिस्टेंस क्या है, वीपी से है, कि ए पॉइंट 30 था और बी 70 था वीपी से, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर डिस्टेंस आएगा, सॉरी ए क्या आएगा, 40, ए 40 था और बी वीपी से 70 था, तो ये पर्टिकुलर डिस्टेंस में चला गया लाइन के साथ। तो अब इस प्लेन को अगर लाइन आपके पास यहाँ पे है, यहाँ समझो जरा, अगर लाइन यहाँ पे दिख रही है, तो इस प्लेन को मैंने क्या किया, इस लाइन के साथ पैरेलल अज्यूम कर लिया लाइक दिस, ठीक है। लाइन जिस एंगल पे थी, इस एंगल पे थी लाइन आपकी, तो इस प्लेन के साथ पैरेलल अज्यूम कर लिया। एंड आफ्टर टेकिंग द प्रोजेक्शन, इसकी डेफिनेटली प्रोजेक्शन इस प्लेन पे आएगी, और इस प्लेन को 90 डिग्री मैंने रोटेट कर दिया, तो वो प्रोजेक्शन नीचे एचपी पे चली जाएगी, और जब एचपी को मैंने रोटेट किया तो वो प्रोजेक्शन नीचे चली जाएगी। अब ये प्रैक्टिकली हो कैसे रहा, ऐसे ही है, फ्रंट में भी होगा, टॉप में भी होगा, ठीक है। ऑक्सिलरी ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन बोलेंगे व्हेन द प्लेन इज इंक्लाइंड टू वीपी, इंक्लाइंड ये वाला प्लेन हो जाएगा, ऑक्सिलरी हॉरिजॉन्टल प्लेन बेसिकली बोलेंगे व्हेन द प्लेन इज इंक्लाइंड टू एचपी एंड परपेंडिकुलर टू वीपी, तो उस केस में भी होगा। तो अब ये सारी प्रोजेक्शन ऑक्सिलरी प्लेन पे जा रही है, तो अब ऑक्सिलरी पे नजर कैसे आ रही है, एग्जैक्ट लाइन की पोजीशन फिर समझो इस मॉडल पे अच्छी तरह समझाएगा, एग्जैक्ट लाइन की पोजीशन आपके पास यहां थी, ठीक है, आपको फ्रंट में डिस्टेंस नजर आ गया और टॉप में नजर आ गया, ठीक है। तो ये अभी आपको क्या नजर आ रही है, प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन नजर आ रही है। लेकिन जब इस प्रोजेक्शन को मैंने पैरेलल प्लेन के साथ अज्यूम किया, तो उस केस में क्या हुआ, उस केस में अब प्रैक्टिकली समझ आएगा प्लीज, उस केस में जब इसको मैंने पैरेलल प्लेन के साथ अज्यूम कर रहा हूँ, इस प्रोजेक्शन को ऐसे अज्यूम कर रहा है सपोज में, तो इट मीन्स इसका प्रोजेक्शन मैंने यहाँ पे इस प्लेन के ऊपर ले लिया, और नाउ द लाइन इज ऑक्सिलरी ऑक्सिलरी हॉरिजॉन्टल प्लेन की अगर हम बात करें, तो इस केस में क्या हो रहा है, आपके पास ये जो ऑक्सिलरी हॉरिजॉन्टल प्लेन ले रहा हूँ मैं, यहाँ पे ले लिया, मीन्स इंक्लाइंड टू एचपी एंड परपेंडिकुलर टू वीपी, तो इस लाइन का पूरा प्रोजेक्शन इस प्लेन पे आया, और इस प्लेन पे जब प्रोजेक्शन आया रोटेट किया, तो ये लाइन यहाँ आई। तो प्रैक्टिकली इस लाइन को कैसे दिखाने की कोशिश की है हमने, ये देखो कि इस ये लाइन आपके पास ऐसे है, यहाँ पे है, मैं थोड़ा नीचे करके बताता हूँ, यहाँ पे है, और इसका प्रोजेक्शन इस प्लेन के ऊपर चला गया, ये कौन सा प्लेन था, ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन। तो जब इसके ऊपर हम इसका प्रोजेक्शन ले गए, तो इसको जब हमने रोटेट किया, अगेन रोटेट किया, तो ये आपको ट्रू लेंथ यहाँ पे नजर आएगी, ठीक है। और ऐसे ही आप इसका प्रोजेक्शन नीचे लेके गए एचपी को रोटेट करके, और जब आपने इस ऑक्सिलरी किस प्लेन को रोटेट किया, हमने ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन को रोटेट किया, तो इसका प्रोजेक्शन नीचे आपको यहाँ पे, क्लियर। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ द ट्रैपेज़ॉइडल मेथड। एक्चुअली ट्रैपेज़ॉइडल मेथड में आपको ट्रू लेंथ नजर कैसे आती है लाइक दिस, तो यू कैन फाइंड द ट्रू लेंथ इन द ट्रैपेज़ॉइडल मेथड, क्लियर। अगेन थोड़ा देखो यहाँ, अभी उठा लेता हूँ इसको, चलो मैं यहाँ रख के बताता हूँ, चलिए उठा यहाँ यहाँ फोकस करो इसको, अगेन फोकस ऑन दैट कि आपके पास यहाँ पे भी
यहाँ पे आपके पास कौन सी लेंथ थी, यू कैन फोकस ऑन दैट प्लीज। कैमरा बिल्कुल लोअर कर दो और छोड़ दो कैमरे को। तो आपके पास एग्जैक्ट लेंथ ये थी, क्लियर, इट मीन दैट इज योर ट्रू लेंथ, ये थी। तो पर्टिकुलर डिस्टेंस दिए हैं उसने 30, दैट इज 40 और 70 और 30 और 60, तो ये पर्टिकुलर डिस्टेंस ऑलरेडी इसने दिए हैं। तो इस लाइन को फॉलो करने के लिए मैंने क्या किया, पहले ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन लिया। तो ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन की डेफिनेशन क्या हो गई, व्हेन द प्लेन इज व्हाट, व्हेन द प्लेन इज, अभी मैं आप लाइन को निकाल देता हूँ तो आपको प्रॉपर दिखेगी, लाइन ऑलरेडी आपके पास है। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द ऑक्सिलरी प्लेन, ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन की डेफिनेशन होगी, नाउ सी इट, द होल प्लेन इज इनक्लाइंड टू वीपी एंड परपेंडिकुलर टू एचपी। सो व्हेन द प्लेन इज इनक्लाइंड टू वीपी एज वेल एज परपेंडिकुलर टू एचपी, देन दैट डेफिनेटली एज ए ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन। तो इसकी ट्रू लेंथ आपके पास कहाँ पे आई, अब इसकी ट्रू लेंथ आपके पास ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन पे आ रही है, क्लियर, ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन पे अभी दिख रही है, ठीक है। और ऐसे ही अगर मैं इसको इधर करता हूँ, लाइन को अब ऐसे कर देता हूँ, सो इन दैट केस व्हाट, इन दैट केस द प्लेन इज व्हाट, प्लेन इज इनक्लाइंड टू एचपी एज वेल एज परपेंडिकुलर टू वीपी। सो व्हेन द प्लेन इज इनक्लाइंड टू एचपी एंड परपेंडिकुलर टू वीपी, देन दैट प्लेन सेट एज ए ऑक्सिलरी हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो अब इसकी प्रोजेक्शन कहाँ पे आई, इसकी प्रोजेक्शन हमें ऑक्सिलरी हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर नजर आ रही है ऐसे। अगर आप इस व्यू को समझो भी, इसकी लाइन यही थी और इसकी प्रोजेक्शन आपको ऑक्सिलरी हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ऐसे नजर आ रही है। और व्हेन आई रोटेट द ऑक्सिलरी हॉरिजॉन्टल प्लेन, सो इट मींस द ट्रू लेंथ इन द अबव व्यू, इन द अपर व्यू। तो ट्रू लेंथ आपको अपर व्यू में नजर आ रही है, क्लियर। सेम ऐसे जब इसकी प्रोजेक्शन मेरे को यहाँ पे नजर आई ऑन द एचपी, ऑन द ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन पे नजर आई, तो आफ्टर टेकिंग द प्रोजेक्शन ऑन इट, व्हाट वी डू, वी रोटेट द एचपी अगेन इन, तो ये प्रोजेक्शन जब रोटेट की तो यहाँ चली गई, ऐसे रोटेट की, ये ट्रू लेंथ की प्रोजेक्शन जो है रोटेट की तो यहाँ चली गई। और जब आफ्टर टेकिंग द प्रोजेक्शन ऑन एचपी, वी रोटेट द एचपी इनटू क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये एचपी को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नीचे की तरफ रोटेट कर दिया, तो ये ट्रू लेंथ आपको यहाँ नजर आनी शुरू हो जाएगी, तो ट्रू लेंथ आपको यहाँ पे नजर आनी शुरू होगी। सो इन दैट केस यू कैन सी द प्रोजेक्टर्स फ्रॉम द पॉइंट ए डैश एंड बी डैश एंड द प्रोजेक्टर फ्रॉम द पॉइंट ए एंड बी फ्रॉम बोथ साइड, दैट प्रोजेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू द व्हाट, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड लाइन, क्लियर। एंड इन दैट केस द अबाउट डिस्टेंस, ये जो अबाउट डिस्टेंस थे, सी इट, ये कौन से डिस्टेंस थे, अब अबाउट बिलो क्यों जा रहे हैं डिस्टेंस, ध्यान से समझो, अबाउट डिस्टेंस बिलो क्यों जा रहे हैं, ये डिस्टेंस क्या था 30 था ना, और ये डिस्टेंस बी का क्या था 60, अबाव एचपी क्या था 60 और ये अबाव एचपी था 30। और जब हमने एज पर कंसेप्ट ऑफ ट्रेपेज़ॉइड, जब हमने इस प्लेन को रोटेट कर दिया, तो ये 30 और 60 डिस्टेंस कहाँ पे चले गए, एचपी में। और जब एचपी को रोटेट किया तो ये 30 और 60 डिस्टेंस आपको नीचे दिखने शुरू हो गए, क्लियर। तो इसीलिए हमारे पास ये डिस्टेंस 30 और 60 नीचे दिखने शुरू हो रहे ऑन द बोर्ड, ऑन द ड्रॉइंग, क्लियर, एंड यू कैन सी हियर। और सेम ऐसे ये डिस्टेंस क्या थे, दिस डिस्टेंस ए इज व्हाट, दैट इज 40 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, 40 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, और बी इज व्हाट, 70 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। और जब हमने एज पर कंसेप्ट ऑफ ट्रेपेज़ॉइड मेथड हुई रोटेट दिस ऑन वीपी, तो ये एचपी का डिस्टेंस थे 40 और 30, ये 40 और 30 डिस्टेंस एचपी पे थे, लेकिन ये रोटेट होके कहाँ चले गए, ऑन वीपी। तो इसीलिए आपको ये 40 और ये 70 डिस्टेंस वीपी पे नजर आ रहे, क्योंकि ये इन फ्रंट ऑफ वीपी थे, इन फ्रंट ऑफ वीपी थे, यस, इन फ्रंट ऑफ वीपी पे थे। तो जब हमने इसका प्रोजेक्शन रोटेट किया विद द ट्रेपेज़ॉइड मेथड, तो ये 70 और 40 हमें ऊपर नजर आने, इधर शुरू हो गए 40 एंड 70, क्लियर। सो अगेन सी इट, एग्जैक्ट लाइन आपकी कहाँ पे है, आई अगेन वांट टू सी दैट, क्योंकि बहुत मेहनत से बनाया हमने, तो आप इसको प्लीज एक बार अच्छी तरह समझ लो। तो एग्जैक्ट आपके पास ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, यहाँ पे है ऑन द ब्लू लाइन, और जब इसकी प्रोजेक्शन रोटेट करके एचपी पे आ गई और इसकी प्रोजेक्शन रोटेट करके ऊपर चलेगी,
तो दोनों को रोटेट करके ऊपर और नीचे लेंगे वीपी और एचपी में, एंड आफ्टर द कंसेप्ट ऑफ क्वाड्रेंट मॉडल द एचपी रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आपको टेंथ सर्टेन मेथड में ट्रू लेंथ फ्रंट में और ट्रू लेंथ टॉप में नजर आनी शुरू होगी। क्लियर यहाँ तक? और इन दैट केस वन थिंग इज मोर, आप इसको समझते रहना साथ अगर देखना होगा। सो इन दैट केस वन थिंग इज मोर, यहाँ पे एक चीज और हो रही है, अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब ये जो एंगल ऊपर चले गए और ये जो एंगल डिस्टेंस नीचे चले गए, बेसिकली डिस्टेंस नीचे और ऊपर जा रहे हैं, उसके कारण क्या हो रहा है? उसके कारण अगर मैं इसको स्टेंट करता हूँ तो वी कैन फाइंड द एंगल, फाइंड द ट्रू लेंथ एंगल हियर अगेन। यहाँ पे हमारे पास एंगल कहाँ पे मिलेगा? यहाँ पे इस लेंथ को अगर मैंने एक्सटेंड कर दिया, तो अगर मैं इस लाइन को अब एक्सटेंड कर देता हूँ अगेन फ्रॉम दिस साइड, ये साइड से इसको एक्सटेंड कर देता हूँ ऐसे सपोज, और ऐसे मीन्स ट्रू लेंथ और प्रोजेक्शन लेंथ को दोनों को मैं आगे तक एक्सटेंड करता हूँ विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग स्केल, ऐसे एक्सटेंड कर दिया, तो डेफिनेटली ये एक एंगल यहाँ पे मिल जाएगा। और ऐसे इस तरफ मैंने एक्सटेंड कर दिया फ्रॉम दिस साइड, तो ये एंगल मुझे यहाँ पे मिल जाएगा लाइक दिस साइड। तो इस केस में एज पर कंसेप्ट यहाँ पे एंगल कौन सा होना चाहिए था? टॉप व्यू में बीटा और यहाँ पे होना चाहिए था अल्फा। बट एज पर द रोटेशन ऑफ द डिस्टेंस, क्योंकि आपने अबव एक्स वाई डिस्टेंस बिलो कट कर दिए थे और बिलो एक्स वाई डिस्टेंस अबव कट कर दिए थे, ड्यू टू दैट हियर द एंगल्स आर शफल, नीचे का एंगल ऊपर और ऊपर का एंगल आपको नीचे नजर आना शुरू हो जाएगा। इट इज ड्यू टू दैट द बीटा इज हियर एंड द अल्फा इज हियर, क्लियर? ड्यू टू द शफल द डिस्टेंस, क्लियर? तो यू कैन फाइंड इट्स ट्रू दैट थीटा बाय अल्फा बीटा लाइक दैट। एंड लास्ट वन इज एच टी एंड बी टी। इस केस में आपको एच टी और बी टी का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह क्लियर होगा, व्हाट इज एच टी एंड व्हाट इज बी टी, क्लियर? ये मैंने कल जान पूछ के नहीं कराया क्योंकि वहाँ आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा कंफ्यूज करता है, क्योंकि वहाँ एक पॉइंट भी रेफरेंस लाइन पे लाइक होता है, लेकिन यहाँ पे दोनों पॉइंट अबव रेफरेंस लाइन है, तो यहाँ पे ये चीज आपको बड़ी अच्छी तरह क्लियर होगी। And how we can find out HT as well as VT? मैं थोड़ा इधर इसको रेज कर दूँ डिस्टेंस को भी, ताकि आपको अच्छी तरह नजर आ जाए कि HT और VT फाइंड आउट कैसे करते हैं। हमने यहाँ तक प्रॉब्लम को लोकेट कर दिया था अप टू हियर विद द ट्रैपेज़ॉइडल मेथड, विद द ट्रैपेज़ॉइडल मेथड। एक बात याद रखना, जैसे थीटा एंड फाई, जैसे थीटा एंड फाई ऑलवेज फाइंड आउट विद द ट्रू लेंथ, थीटा एंड फाई ऑलवेज फाइंड आउट द ट्रू लेंथ, क्लियर? क्यों? क्योंकि लाइक मेकिंग द एंगल सपोज थीटा, लाइक मेकिंग द एंगल सपोज फाई, बट विच लाइन मेक्स द एंगल थीटा एंड फाई? ट्रू लेंथ, इट्स अ ट्रू लेंथ। सो थीटा एंड फाई ऑलवेज फाइंड आउट विद द ट्रू लेंथ, बट सेम लाइक दैट एच टी एंड बी टी always find out with the LTL not true length, याद रखना HT and VT always find out with the LTL, LTL is not true length। अगर आपकी कोई भी projection length जो है या LTL length है वो true length से बड़ी आ रही है, जैसे इस केस में दिया था कि true length, suppose last केस में था कि true length is 60 mm long, क्लियर? तो अगर आपकी उसमें NTL 70 आ रही है, जो 62 आ रही है, जो 65 आ रही है, तो इट मींस यू आर गोइंग रॉन्ग। आप जो मेथड कर रहे हो उसको रिवर्स करो, मींस आप उसको पहले रोटेट कर रहे हो, ठीक है, जब पहले आप उसको परपेंडिकुलर देख रहे हो फिर रोटेशन कर रहे हो, तो इसका आप रिवर्स करो। ये और प्रॉब्लम में डिस्कस करूंगा इसको डिटेल में, ठीक है? तो ये इसके लिए छोटा सा दिमाग में ये याद रखना, द प्रोजेक्शन लेंथ इज ऑलवेज स्मॉलर देन द ट्रू लेंथ, and you can say in other words the true length is always bigger than your projection length or LTL, clear? okay, so same jaise hum theta and phi find out karte the true length ke sath, same aise HT and VT always find out with the LTL not true length,
not true length, एच टी आर वी टी ऑलवेज पॉइंट विद द नॉट ट्रू लेंथ. तो एक्चुअली ये एच टी आर वी टी है क्या बेसिकली? तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है सबसे पहले वट इज द एच टी एल वट इज द वी टी, तो यू राइट हियर फर्स्ट फुल फॉर्म एच टी इज द हॉरिजेंटल ट्रेस एंड वी टी इज द वर्टिकल ट्रेस. नाउ वट इज द ट्रेस एंड वट इज द एप्लीकेशन ऑफ दैट ट्रेस. क्लियर? ट्रेस है क्या, ट्रेस की एप्लीकेशन क्या है. सपोज ट्रेस क्या है कि सपोज कल को आपने इंडस्ट्री में कोई लैडर इस एंगल पे लगाया. सपोज यू हैव अ लैडर एट दिस एंगल एंड द चांसेस इज हियर फेलियर ऑफ दैट लैडर. कोई ऐसा कॉन्सेप्ट आप यूज कर रहे हो, ऐसी इंजीनियरिंग यूज कर रहे हो जहाँ पे इस लैडर के फिक्स, जहाँ पे फिक्स है इस एंगल पे फिक्स है, तो उस पे आपके इस लैडर के चांसेस हैं कि ये लैडर आपका फिक्सिंग से जो है ये सॉरी ये फेल हो सकता है. फिक्सिंग इसकी फेल हो सकती है, इट मींस ये आपका फिक्सिंग फेल होगी तो डेफिनेटली ये लैडर जो है इस एंगल पे लुढ़कता हुआ कहीं ना कहीं जाके नीचे टकराएगा. इसकी फिक्सिंग फेल हो रही है तो डेफिनेटली ये इस एंगल पे लुढ़कता हुआ कहीं ना कहीं नीचे जाके स्ट्राइक करेगा, नीचे जाके टकराएगा. ठीक है, तो अगर वो नीचे जाके स्ट्राइक कर रहा है कहीं टकरा रहा है, उस पॉइंट को ढूंढने के लिए हम फाइंड आउट करते हैं ट्रेस. उस पॉइंट को ढूंढने के लिए फाइंड आउट करते हैं ट्रेस. तो वो लैडर एच पी के साथ भी इंक्लाइंड हो सकता है और कभी कभी वी पी के साथ भी इंक्लाइंड हो सकता है. लाइक दैट ऐसे भी हो सकता था, अगर ये ऐसे हो सकता था तो ये ऐसे भी तो हो सकता था वी पी के साथ भी. यस, तो इट मीन्स ये अगर लैडर की क्लैंपिंग फेल हो रही है और ये लैडर आपका सपोज द टेबल इज योर एच पी, तो ये लैडर आपका एच पी के ऊपर कहाँ जाकर टकरा रहा है, शो दैट प्लीज. सो ये लैडर आपका एच पी के ऊपर कहाँ जाकर टकरा रहा है, नीचे ऐसे. ठीक है, तो वो जो स्ट्राइकिंग पॉइंट है उसको जब हम फाइंड आउट करते हैं दैट इज इट्स ट्रेस. ठीक है, प्रैक्टिकली एग्जांपल जब मैं था उसमें जेसीबी स्कॉट में थे हम जब, तो अगर जेसीबी 20 टन वाली जो क्रेन है अगर वो बीम के ऊपर उसका जो बीम है वो लोड उठा रही है ऐसे. ठीक है, उसका जो बूम है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताऊँ, उसका जो बूम है वो लोड उठा रहा है ऐसे. और अब बूम अगर 60 डिग्री पे लोड उठाते उठाते वो रैप्चर होता है. ठीक है, तो वो टूट के कहाँ गिरता है? अगर इवन वो 90 डिग्री पे है और लोड पूरा ऊपर है और फिर भी वो रैप्चर होके ब्रेक होके कहाँ गिरता है उसका लोड? तो ये सारा ऐसा लोड कहाँ जाके फॉल करेगा, किस एंगल पे फॉल करेगा, ये सारा फाइंड आउट करने के लिए हम उसके ट्रेसेस फाइंड आउट करते हैं, ताकि उस चीज़ को फाइंड आउट करके फिर ही हम नीचे ऑपरेटर का कैबिन लगाएं. ऐसा नहीं है कि कल को कहीं उसी ट्रेस पे वो गिर रहा है और नीचे ही हमने कैबिन लगाया है तो मशीन तो टूटी टूटी और ऑपरेटर भी गया. ठीक है, या इंडस्ट्री में कोई भी आपकी मशीन है किसी वर्किंग जगह पे ऐसी पे लग रही है कि यहाँ पे वो ब्रेक हो गया, कोई चिमनी है ना उसके नीचे ऑपरेटर कहाँ पे खड़ा करना है, तो ऐसी जगह पे वो ब्रेक होके कहाँ पे जाके स्टैंड करेगी, उस चीज को फाइंड आउट करने के लिए हम उसके ट्रेसेस फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, तो बेसिकली दिस इज द प्रैक्टिकल एग्जांपल इन द इंडस्ट्री ऑफ दैट ट्रेसेस. क्लियर? सो हियर वी हैव द हॉरिजॉन्टल ट्रेस एंड वर्टिकल ट्रेस, हॉरिजॉन्टल ट्रेस एज वेल एज वर्टिकल ट्रेस. हाउ वी फाइंड आउट? तो सबसे पहले ट्रेसेस कहाँ पे फाइंड आउट करने हैं, जैसे ट्रू लेंथ ऑलवेज फाइंड आउट, थीटा एंड फाई ऑलवेज फाइंड आउट ऑन द ट्रू लेंथ. ठीक है, सेम ऐसे ही ट्रेसेस ऑलवेज फाइंड आउट द प्रोजेक्शन लेंथ एंड टीएल लेंथ. ट्रेसेस ऐसे ही आप प्रोजेक्शन लेंथ एंड टीएल लेंथ के ऊपर फाइंड आउट करोगे. क्लियर? तो यहाँ पे हमारे पास प्रोजेक्शन लेंथ कौन सी थी, वी हैव स्मॉल ए डैश स्मॉल बी डैश एंड इन द टॉप व्यू वी हैव स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, दीज आर द प्रोजेक्शन लेंथ. तो ये दोनों प्रोजेक्शन लेंथ थी जो अल्फा और बीटा पे थी हमारे पास, दीज आर द प्रोजेक्शन लेंथ हियर. क्लियर? तो अब हम इसी प्रोजेक्शन, अब ट्रेसेस फाइंड आउट कैसे करते हैं, ध्यान से समझना, मैं थोड़ा मार्कर दूसरे कलर का यूज कर देता हूँ रेड का, आपको समझ आ रहे. तो ट्रेसेस हम फाइंड आउट कैसे करते हैं, अपने आपने प्रैक्टिकली देखो, पहले ड्रॉ करना देखो, पहले आपने अपने ड्राफ्टर के स्केल को उसी एंगल पे लगा दिया. ठीक है, ओपन योर ड्राफ्टर लॉन्ग स्केल एट द सेम एंगल ए डैश टू बी डैश, इट मीन जो प्रोजेक्शन लेंथ की लाइन है उसी एंगल पे आपने अपने ड्राफ्टर के स्केल को फिक्स कर दिया,
It means fix your drafter scale at the angle of alpha and extend that point beyond the xy line. तो उस A point को आप xy line को cut करता हुआ आगे तक draw कर दो. Extend the point A and draw the projection from that point A and that projection draw should be beyond the xy line and the angle of the projection same as per your NTL projection length. It means that is angle alpha of that line. Clear? तो आप अपने drafter को देखो, अपने drafter के scale को A dash और B dash के साथ लगा दोगे at the same angle and extend that line and that line should be cut beyond the xy line. ठीक है, प्रैक्टिकली कर करके ये एक एक प्रॉब्लम को मैं प्रैक्टिकली आपके साथ साथ ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आप एक एक चीज को अच्छी तरह डेप्थ में जाके समझो हाउ यू कैन ड्रॉ दैट, व्हाट इज द एप्लीकेशन एंड व्हाट आर द फंक्शन ऑफ दैट. क्लियर? ओके, सो अगेन फ्रॉम दैट साइड ड्रॉ दैट प्रोजेक्शन लेंथ ए एंड बी एंड अगेन पुट द एंगल ऑफ योर ड्राफ्टर हॉरिजॉन्टल स्केल एट द एंगल बीटा एंड अगेन एक्सटेंड दैट लाइन. Suppose again मैं थोड़ा सा नहीं साथ साथ ही कट कर रहा है क्योंकि डिस्टेंस बहुत पास पास हो गए, मैं जानबूझ के थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ. Suppose extend that line like this. Suppose extend that line like this. ऐसे मैंने इस लाइन को suppose आगे एक्सटेंड कर दिया like this. क्लियर? Suppose इसी एंगल पे जा रही है. Okay. तो now what we see here first. First we see where our first line cut on the xy line. सबसे पहले हमने देखना है कि ये फ्रंट व्यू से ये जो एक्सटेंशन लाइन ली थी हमने, ये एक्सटेंशन लाइन और मे बी दैट इज द प्रोजेक्शन लाइन, दैट लाइन वेयर कट द एक्स वाई लाइन, दैट एक्सटेंशन लाइन कट हियर फर्स्ट, यहाँ एक्स वाई लाइन पे कट. ध्यान से समझना इस पॉइंट को, यहाँ एक्स वाई लाइन पे कट गई और वेयर इट कट ऑन द एक्स वाई लाइन, फ्रॉम दैट पॉइंट वी ड्रॉ द परपेंडिकुलर प्रोजेक्टर्स अप टू द अदर प्रोजेक्शन लाइन. तो अदर प्रोजेक्शन लाइन किधर जा रही है? ऊपर की तरफ. तो इसका प्रोजेक्टर ऊपर की तरफ चला गया. अगेन लिसन, फर्स्ट वी एक्सटेंड द फ्रंट व्यू प्रोजेक्शन लेंथ एंड इट शुड बी कट बियॉन्ड द एक्स वाई लाइन एंड वी सी वेयर इट कट ऑन द एक्स वाई लाइन. फ्रॉम दैट पॉइंट वी ड्रॉ द परपेंडिकुलर प्रोजेक्टर अप टू द अदर प्रोजेक्शन लेंथ, अप टू द अदर एक्सटेंशन लेंथ यू कैन से. And where it cut on the other, there locate your trace. तो आपने ये trace point locate कर दिया. But that is which trace? HT or VT. तो अब आप ये problem कर रहे थे first angle projection के according. And we know here in the first angle projection, here we have the top view and in the top view we have here HP. Because after taking the top view on HP, we rotate the HP to clockwise direction. So here you have which view? That view is in on which plane? On HP. तो ये line कहाँ से जा रही थी? HP plane से. तो HP से हमने H उठा लिया. It means that is your HP. That is your horizontal trace. Clear? Now अब हमने VTB find out करना, vertical trace find out करना. तो इटसेल्फ एचटी वाली लाइन देखा कहां कट कर रही है एक्सवाई को. एचटी वाली ये जो लाइन जा रही थी, सपोज इट कट हियर, एचटी वाली ये वाली लाइन यहां पे जाके यहां पे कट कर रही थी, इट कट हियर सपोज. एंड फ्रॉम दैट पॉइंट ड्रॉ द परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन फ्रॉम द अदर लाइन. तो अदर लाइन भी अब ऊपर ही जा रही है. तो यहां से हमने परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन ऊपर की तरफ ड्रॉ कर दिया. So where it cut as a perpendicular projection on that line, there locate your other trace point. तो आपने ये दूसरा trace point ढूंढ लिया. So with that method you can find the other trace point on that line. तो आपने ये दूसरा trace point जो है वो find out कर दिया on that line. Clear? But that trace point cut on where? It cut on the front view length. And front view length, that is which view? VP, vertical plane. So it comes from the vertical plane. So from the vertical plane, we pick the point V and that is your vertical trace. That is your vertical trace. So you can find here the vertical trace as well as horizontal trace with this method. And you can measure the distance from
from HT to XY line. You can measure the distance from HT trace point to the XY line, and in the other words, you can measure the distance from the XY line to the HT. So यहाँ पे आप XY line से HT का distance measure करेंगे and write that distance in your answer. Suppose that is suppose 14 mm. Suppose. Yes. And again, you can measure the distance of VT from the XY line, and you can write here VT is suppose that is 10 mm. So this is the answer of that problem. How you can find out HT, VT, alpha, beta, theta, phi, as well as true length, and you can also measure the length A dash to B dash and write here that is what true length. और कभी कभी यहाँ बच्चों को ना ये problem आती है if you are not proper knowledge about that drawing. तो बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है कि एग्जाम में ए डैश टू बी डैश मेजर करेंगे कैपिटल और कैपिटल ए टू बी मेजर करेंगे. तो सपोज कैपिटल ए डैश टू बी डैश मेजर की सपोज दैट इज 72 mm, और यहाँ पे ए टू बी मेजर की सपोज दैट इज 70 mm. तो बच्चे फिर यार फ्रंट क्या लिखते हैं एग्जाम में, फ्रंट व्यू ट्रू लेंथ ए डैश टू बी डैश 72 mm एंड द टॉप व्यू ट्रू लेंथ ए टू बी दैट इज 70 mm. नो दैट इज रॉन्ग, बिकॉज ट्रू लेंथ तो एक ही आपके पास, लाइन की ट्रू लेंथ तो एक ही आपके पास, वही ट्रू लेंथ आपको फ्रंट में देखेगी, वही ट्रू लेंथ आपको टॉप में देखेगी. फ्रंट के लिए अलग लेंथ थोड़ी हो जाएगी या अलग लाइन थोड़ी हो जाएगी प्रैक्टिकली, या टॉप के लिए अलग लाइन थोड़ी हो जाएगी, लाइन तो एक ही है, ट्रू लेंथ इज फिक्स. तो फिर यहाँ 70 और 72 क्यों आ रहा, क्योंकि कभी कभी आपने प्रोजेक्टर एग्जैक्ट 90 डिग्री नहीं लिए, जब डिस्टेंस जल्दबाजी में एग्जैक्ट वो कट नहीं किया, तो ये वेरिएशन आ सकती है एक या दो में. लेकिन अगर ये वेरिएशन आ रही है, यू कैन पिक एनी मे बी 72 mm, मे बी 70 mm, नॉट राइट वेट की दैट इज 72 और दैट इज 70. और ज्यादातर इसमें चांसेस होते हैं ही पिक नॉर्मली द राउंड फिगर, सो यू कैन पिक द राउंड फिगर, बट इट्स नॉट कंपल्सरी ऑलवेज. सो यू कैन पिक एनी वन, मे बी यू कैन राइट हियर द ट्रू लेंथ इज 72 mm, एंड मे बी यू कैन राइट हियर द ट्रू लेंथ इज 70 mm. एक दो एमएम की वेरिएशन को एग्जामिनर भी, अगर आपने मेथड प्रॉपर अडॉप्ट किया है, तो एक दो एमएम की वेरिएशन को हम लोग भी जब पेपर चेक करते हैं तो उसको निग्लेक्ट कर देते हैं कि कोई बात नहीं, बच्चे ने मेथड प्रॉपर ड्रॉ किया है, एक दो एमएम की वेरिएशन आ रही है, तो कहीं ना कहीं प्रोजेक्शन देने में कोई गड़बड़ी होगी होगी, या डिस्टेंस पिक करने में कोई ना कोई उसने गलती कर दी होगी. क्लियर? ओके. सो यू कैन फाइंड ट्रू लेंथ थीटा फाई एच टी वी टी अल्फा एंड बीटा विद द ट्रेपेज़ॉइडल मेथड लाइक दिस. क्लियर? So you can again see that the concept trapezoidal method. एक बार मैं आपको फिर दिखाना चाहता हूँ, बड़ी मेन से हमने बनाया इसको कर मॉडल को. तो ये आपके पास लाइन है ट्रू लेंथ की, लाइन है आपके पास, और यहाँ पे आपको जो फ्रंट व्यू है वो आपको एग्जैक्ट ट्रू लेंथ यहाँ दिख रही है, ये ब्लू वाली, और इसको हमने जब प्रोजेक्शन ली तो ये प्रोजेक्शन यहाँ फ्रंट में और टॉप में आई, ये वाली इसकी प्रोजेक्शन फ्रंट की और टॉप की है एट ए पर्टिकुलर डिस्टेंस. और जब एज पर द ट्रेपेज़ॉइड मेथड हमने इसको कंसेप्ट को कवर किया, तो ये रोटेट होकर इधर आ गया और ये रोटेट होकर इधर चला गया, और आफ्टर दैट वी रोटेट द एच पी टू क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन इट रोटेट लाइक दिस. क्लियर? सो आफ्टर दैट इट रोटेट लाइक दिस. क्लियर? सो यू कैन ड्रॉ द ट्रू लेंथ विद द ट्रेपेज़ॉइड मेथड इन द इंजीनियरिंग ड्रॉइंग. क्लियर? सो दिस इज द टुडे कंसेप्ट दैट इज ट्रेपेज़ॉइड मेथड. बहुत ही डिटेल में जाके मैंने आपको समझाया, मेरे ख्याल से एक घंटे से ज़्यादा लग गया इसको डिटेल में, आपको डेप्थ में जाके समझाने में. तो आज मैं इस लेक्चर को यहीं छोड़ता हूँ, और कल हम इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक बचा है, द लाइन कंटेंड ऑन द प्रोफाइल प्लेन एंड व्हाट इज द प्रोफाइल प्लेन एंड हाउ वी कैन फाइंड आउट द साइड व्यू ऑफ योर ऑब्जेक्ट, ये सारा हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे. ठीक है? तो कल का लेक्चर भी आज के लेक्चर की तरह बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, क्योंकि उसमें भी एक नया प्लेन हम अज्यूम करेंगे और उसको हम आगे डिफाइन करेंगे, और उसको डिफाइन की गई प्रॉब्लम को उसको हम फिर हम ड्रॉ करेंगे. ठीक है? तो स्टेप बाई स्टेप कल भी हम चलेंगे, लेकिन फिर मेरी आप सबसे फैकल्टी मेम्बर से, रिस्पेक्टेड फैकल्टी मेम्बर से और डियर स्टूडेंट से सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप देख सकते हो कितनी डेप्थ में जाके, कितनी मेहनत करके और कितनी लगन के साथ आपको ये पूरा लेक्चर हमने
समझाने की कोशिश की है ताकि आपको एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप नज़र आए, और पूरी मेहनत के साथ इतनी ठंड में लेक्चर दे रहा हूँ मैं। इस टाइम इस रूम का टेम्परेचर मेरे ख्याल से 0 डिग्री है, शायद 0 से भी नीचे होगा, क्योंकि मेरे हाथ जम रहे हैं बहुत बुरी तरह, ठीक है, पैर भी बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं, ठीक है। तो लास्ट मोर देन 1 आवर से कंटिन्यू स्टैंड होके मैं खड़ा होके आपको ये सारा लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको अपने स्टूडेंट्स के साथ और स्टूडेंट्स अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, मेरे इस लेक्चर को भी और यूट्यूब के लिंक को भी, ठीक है। और पर्टिकुलर ये फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे, तीनों जगह आपको इस लेक्चर का लिंक मिल जाएगा, तो आप उसको इजीली फॉलो कर सकते हो और देख सकते हो, ठीक है। तो ठंड बहुत है, लेक्चर रिकॉर्डिंग के कारण मैं ब्लोअर भी नहीं लगा सकता रूम में, क्योंकि उसकी वॉइस आती है रिकॉर्डिंग में। तो बिल्कुल ठंड में मैं फिर कह रहा हूँ, बहुत ठंड में लेक्चर दिया आज, ये बहुत ज़्यादा ठंड है, तो वेरी कोल्ड डे टुडे। सो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ ऑनेस्टली कह रहा हूँ कि आप इस लेक्चर को जरूर शेयर जरूर करो, दिल से कह रहा हूँ आपको कि अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ जरूर शेयर करो। और स्पेशली फैकल्टी मेंबर्स को रिक्वेस्ट है कि स्टूडेंट्स के साथ जरूर शेयर करें इस लेक्चर को प्लीज़। और फैकल्टी मेंबर में से भी अगर कोई लेक्चर रिकॉर्ड करना चाहता है, डिलीवर करना चाहता है, तो मोस्ट वेलकम एट माई प्लेस, आप वेलकम है आपका सभी का इस प्लेस पे, आप आके फ्री ऑफ कॉस्ट इस लेक्चर को रिकॉर्ड कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो और स्टूडेंट्स को डिलीवर कर सकते हो। और जो भी आपका इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप, मैं यही एडवाइस करूँगा कि आप उसी को लेके, उसी के ऊपर लेक्चर डिलीवर करो, ताकि बच्चों को डेप्थ में जाके एक एक चीज़ अच्छी तरह समझ आए, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच अगेन, थैंक्स अगेन।